वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल टीजी टू का एग्जाम हो चुका है और ये एग्जाम 24 और 25 जनवरी को कंडक्ट हुआ था और मोस्टली स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और ईश्वर करे कि आप में से मोस्टली लोग यूपीपीसीएल टीजी टू की इस परीक्षा में सफल हो और आप सभी को सरकारी नौकरी लग जाए। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो एग्जाम हुआ है ये कैसा रहा। तो आप सबका जो पेपर पैटर्न पे जो मैंने आपका रिव्यू लिया उस पे जो हम लोगों ने देखा, आप लोगों का जो रिव्यू था उसके हिसाब से जो मालूम पड़ा वो ये था कि पहले दिन का जो पेपर आया वो आपका इजी रहा और दूसरे दिन का पेपर में थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहा, उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन भी थे और कंप्यूटर का लेवल भी टफ था। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों दिन के पेपर के लेवल में फर्क था। और बहुत से स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे हैं कि जब दो दिन में पेपर हुआ है और दोनों पेपर में के लेवल में फर्क है तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा और क्या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा और इसकी यूपीपीसीएल टीजी टू में इस बार की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और अगर होगा तो कितने मार्क्स का हो सकता है और क्या आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ रह सकती है। तो आप लोग अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और जो पुराने हैं सब्सक्राइब किए हुए हैं लेकिन बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो आप बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि इससे हम लोगों की जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके फ्रेंड के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो बात करें अगर इस बार के यूपीपीसीएल के टीजी टू के पेपर की, तो जो इस बार का यूपीपीसीएल का टीजी टू का पेपर हुआ है ये एक एवरेज पेपर था और आप लोग के रिव्यूज के अकॉर्डिंग कुछ जो शिफ्ट में जो आपके पेपर आए हैं वो इजी आए हैं और कुछ शिफ्ट में आपके जो पेपर आए हैं वो आपके टफ आए हैं। तो जो नॉर्मलाइजेशन की बात है तो 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका पेपर एक शिफ्ट से ज्यादा में कंडक्ट होता है और मल्टीपल पेपर्स आते हैं तो उसमें नॉर्मलाइज कट ऑफ निकाली जाएगी और नॉर्मलाइजेशन 100% किया जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है तो आप इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो अगर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन से किसी को फायदा होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की सोची है, जिनका पेपर इजी आया था उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर होंगे, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर हार्ड आया था वो सोच रहे हैं कि बहुत कम मार्क्स आ जाएगा। तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स जो कि हार्ड पेपर और इजी पेपर में शिफ्ट में पेपर दिए थे, तो उन दोनों ही लोगों का नॉर्मलाइजेशन में ख्याल रखा जाता है और दोनों ही के बिल्कुल मीन जो एकदम मीडियम जो आपका लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ निकाली जाएगी नॉर्मलाइज कट ऑफ। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वालों को फायदा होगा और ना ही कम मार्क्स स्कोर करने वालों को नुकसान होगा, दोनों का ही ख्याल रख करके नॉर्मलाइज कट ऑफ निकाली जाती है। अब बात करें अगर इस बार के यूपीपीसीएल टीजी टू पेपर में कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों का जो रिव्यू था दोनों दिन का 24 और 25 जनवरी के पेपर का उसको ध्यान में रखते हुए, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर को पास कर लेंगे और कंप्यूटर क्वालिफाई करने के बाद कंपटीशन में बने रहेंगे और जो आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग जाएगी वो जाएगी अराउंड 140 मार्क्स। मीन्स जनरल कैटेगरी अगर 140 मार्क्स नॉर्मलाइज कट ऑफ में रहता है तो उसका सिलेक्शन चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ओबीसी की बात करें तो 135 मार्क्स, एससी की बात करें तो 130 मार्क्स और एसटी की बात करें तो 120 मार्क्स। तो अगर आप लोग इतने मार्क्स के आसपास आ रहे हैं नॉर्मलाइज कट ऑफ के बाद तो आप लोगों का सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है। आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो आप लोग को क्या लगता है कितने मार्क्स का होगा, और जो कट ऑफ हम लोगों ने बताई है क्या आप लोगों को ये एग्री है, या आप लोगों को लग रहा है कि 140 के आसपास जाएगी नॉर्मलाइज कट ऑफ, या आपको कोई और कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि इतनी जा सकती है, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी आप कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए
और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन।